वो हर आदमी इस वक्त एक तरफ खड़ा हो गया है और कोशिश कर रहा हूं, उनको इमरान खान नजर आ रहा है कि किसी तरह इसको तो फारग करो। देखिए मुझे ना, जब मैं पॉलिटिक्स में आया था 26 साल पहले, मैं जब मौत का खौफ के ऊपर काबू पा चुका था, अल्लाह मेहमान आ चुका था, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझ चुका था कि अल्लाह ने फैसला करने जब दुनिया से जाना है। एहतियात करता हूं, एहतियात इसलिए करता हूं कि ये जो मेरे दुश्मन हैं ये बड़े, जितने खौफ ज्यादा होते जा रहे हैं उतनी मेरी जान खतरे में है, एहतियात करता हूं। जेल में क्या फर्क पड़ेगा, जेल में चला जाऊं, किताबें पढ़ लूंगा, बड़ी मुझे टाइम मिल जाएगा, लेकिन मुझे खौफ ये है कि मुझे ये अगर हटाएंगे और ये समझते हैं कि अगर मैं रास्ते से हट गया तो कौम सो जाएगी, इनको ये, इनका ये ख्याल है कि अगर इमरान खान को हटा दिया जाए तो ना ये कैंपेन कर सकेगा, कुछ करेगा, तो तहरीक इंसाफ भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी, और ये जो लोग हैं इन्होंने तो फिर से कबूल कर लेना जो भी हो, तो इसके ऊपर मेरी जान भी खतरे में है और ये मुझे जेल में डालना चाहते हैं। आपको मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपने ये फैसला कर लेना है कि इमरान खान हो या ना हो, आपने अपनी हकीकी आजादी की जंग लड़ते रहना है, ये जहाद है आपके लिए और इसी में आपका मुस्तकबिल है।